दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। Before I start falling in love with this man all over again because he's so amazing and honest and beautiful, Diljit ji, कैसे जी? बढ़िया। सूरमा, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप और संदीप सिंह में कोई अंतर है। आप बिल्कुल ढल चुके हैं उस कैरेक्टर में। आपकी जर्नी के बारे में एज सूरमा, एज संदीप सिंह, आप थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो। हेलो गाइस, नमस्ते सबको। और सूरमा का ट्रेलर अभी आपने देखा। ये फिल्म जब पहले मुझे ऑफर हुई थी तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी कोई हॉकी, मैंने कोई भी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं कभी लाइफ में। लेकिन स्नेहा मैम और शाद सर, उन्होंने मुझे एग्री किया। और जब मैंने स्टोरी सुनी संदीपा जी की, इज़ अ लिविंग लेजेंड, वो हमारे साथ ही हैं। प्लीज़ संदीपा जी, आप स्टेज पर आ जाएं। एक्चुअली ही इज़ द हीरो जो आज की फिल्म के हैं, संदीपा जी। मैंने बहुत सुना है लिविंग लेजेंड के बारे में। एक्चुअली सूरमा, एक्चुअली संदीपा जी सूरमा है। ऐसी सिचुएशन अगर किसी की लाइफ में आ जाए तो शायद ही कोई कम बैक कर पाएगा। तो मेरी लाइफ में मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है जिसने ऐसा कम बैक किया। मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, आज संदीपा जी खुद ही बोले। थैंक यू दिलजीत पाजी, शाद सर, एन पी सर, स्नेहा मैम, चित्रांगदा मैम, दीपक सिंह पाजी, एंटायर सोनी टीम, इंटायर प्रोडक्शन, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। शंकर एहसान लोय टीम, म्यूज़िक गुलजार साहब, बिकॉज मेरे को खुद पे बिलीव नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी स्टोरी बन पाएगी। आई नो मैंने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है। मेरे ब्रदर विक्रमजीत सिंह, उन्होंने बिगनिंग में मेरा बहुत साथ दिया, लाइक अ ब्लिंकर, एक घोड़े का होता है ना कि आँख के सामने लगा के रखना, एक ही रास्ता दिखाना, गोल, बस वही गोल है, उसी को अचीव करना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे मेरा स्पोर्ट्स कैरियर ख़त्म हुआ, दीपक पाजी और चित्रांगदा मैम कहते कि हम आपकी स्टोरी को बड़े स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वो स्क्रीन आज आपके सामने दिख रही है। एक ही वर्ड था चित्रांगदा मैम का कि संदीप वेट करो, पूरी दुनिया को मैं ये कहानी दिखाऊंगी। उसके बाद स्नेहा मैम, एन पी सर, प्रांजल पाजी, इन लोगों ने कहा कि ये अब तुम्हारी कहानी नहीं, अब ये हमारी कहानी है, हम इसको पूरी दुनिया को दिखाएंगे, वेट करो। इंजन तैयार था, ट्रेन बिल्कुल रेडी थी, लेकिन विदाउट इंजन मतलब कहते हैं कि ट्रेन चलती नहीं है। शाद सर आए इंजन के रूप में। शाद सर ने आते ही कहा कि संदीप मैं भी एक हॉकी खिलाड़ी रहा हूं, तब तक मुझे शाद सर के बारे, बिकॉज मैं बॉलीवुड को मूवीज देखता हूं, मुझे थोड़ा कम हिस्ट्री का पता है लेकिन मूवीज़ देखता हूँ मैं, आई लव म्यूज़िक, आई लव मूवीज़। तो शाह सर कहते हैं कि हॉकी प्लेयर हूँ मैं, हॉकी की फीलिंग समझता हूँ, मेरे पे बिलीव रख, भरोसा रख, और आज आपके सामने है। दिलजीत पाजी, तापसी मैम, अंगद पाजी, इससे अच्छी कास्टिंग नहीं हो सकती है। अब जो आपने कह दिया है संदीप सिंह के लिए, सबसे पहले तालियां, दैट इज हियर, ही इज अमंगस्ट अस, एंड कैन आई प्लीज कॉल अपॉन तापसी पन्नू एंड अंगद बेदी ऑन स्टेज। वैसे हॉकी स्टिक है, मतलब व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट, क्या है, नहीं है, कहीं ना कहीं है। ओके, तापसी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यू हैव डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिल्म्स, ठीक है, फ्रॉम पिंक टू जुड़वा टू नाउ टू सूरमा। What was it like to play a hockey player? What was it about the training that you said, no, मुझसे शायद ये थोड़ा tough है, मैं कल आऊँगी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोला था मैंने, कोच सर ऐसा तो नहीं बोला था मैंने, मैं कल आऊँगी। एक्चुअली बहुत टाइम से ये था कि स्पोर्ट्स फिल्म करनी है, एक स्पोर्ट्स प्लेयर को मैं एक्चुअली में एक रियल हीरो मानती हूँ। तो मेरे लिए एक तरह का वो था कि गोल पॉइंट कि मेरे को एक स्पोर्ट्स प्लेयर प्ले करना है। अब संदीप सिंह तो नहीं हो सकती मैं, सो not in this life because you're a woman, not in this life, huh? So yeah, so but it was such an honor to be associated with this film, especially kyunki it's a true story tha aur ek tarah ka na guilt tha ke sports enthusiast hu main, bahut follow karti hu har tarah ke sports, but ek tarah ka guilt tha ki ye story kyun nahi pata thi mujhe,
इनफैक्ट हमारे खुद की कंट्री की, हमारे एक्स कैप्टन की, माई फादर यूज टू प्ले हॉकी एट नेशनल लेवल, बट नहीं पता थी मुझे ये स्टोरी. तो वो बहुत बहुत गंदा वाला गिल्ट था जो कि मैं आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ इट बाई इन अ वे बाई डूइंग दिस फिल्म एंड मेकिंग श्योर दैट दिस स्टोरी रीचेज लाइक द एंटायर वर्ल्ड नॉट जस्ट इंडिया. सो या उसकी वजह से ये करना ही था. Good job, good job. That is Tapsee Pannu, of course. Angad Bedi, first of all, congratulations on your shadi. Shukriya. Second of all, congratulations on being a part of this film and being a part of Sandeep Singh's, you know, playing a part of his older brother. Jo ki zyada, I think it's a little more tough, na? Jo main character na ho ke main character ka main support system hai. So, kitna emotional raha hai, kitni emotional journey thi aapke liye? Dekhi, first of all, it's a huge honor to be part of this film. Because as you've seen in the trailer, the journey of Sandeep Singh is beautiful. It's emotional. Bahut highs hain, kafi lows hain. That's what makes a story. And I feel when I got a call from Shahid Bhai, he said ki ye tujhe film karni hai. For me, I live for sport, and I feel that sports people hamare desh ke asli heroes hain. Inke life mein koi retake nahi hota. So when I heard the story, जो बिक्रमजीत के sacrifices रहे हैं वो sacrifices की वजह से संदीप बना है. So for me, I really enjoyed that graph, firstly. Second is, I've seen Sandeep Singh, मैं भी जब बहुत छोटा था तो ये National Stadium में दिल्ली में practice कराते थे. How interesting is that? तो ये hockey खेलते थे और मैं cricket खेलता था. तो who knew that, you know, one day we'll be standing on this platform. I'll be doing a film which is based on his life. And also for me to work with my hero, Diljit Dosanjh. He's like a brother to me, but I followed his graph, bhale Punjabi mein ho, Hindi mein ho, unka music. Mera inse bahut khas lagav hai. Aur Tapsee ke saath humne ek film kari hai, Pink. Ab yahan par hum wapas aaye hain. Bottle ki jagah hockey hai. Haan, bottle ki jagah hockey hai. Lekin mujhe nahi padti. Pad nahi rahi hai. So yes, from Rajveer and Meenal, we've come to Bikramjeet and Preet. So, बहुत ही अलग ग्राफ है, बहुत ही अलग जर्नी है. But just to be here, to be part of this film, to be supported by Sneha ma'am, when my journey began in the film industry, she was very instrumental in getting me here. Because of her, I'm here, and I'm always going to be grateful for that. I'm just grateful for the fact that there's good cinema that is there in existence, so that the audience is entertained and inspired at the same time.